शुरू करो। जी गुरु जी, पढ़ो श्लोक नंबर 18। उपाचरेत स्नेह भवम वीरुक्षणे ही प्रकल्पयेत स्नेह विधिन च रुक्षजे विबद्ध विटके अनिलजे निर्होणम घृतम तु पित्त अनिलजे सतिक्तकम। बस पहला सूत्र है उपाचरेत स्नेह भवम विरुक्षणैः। उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, चर धातु है और चरेत ये विद्यर्थ है, तृतीय पुरुष एकवचन। आचरेत उपाचरेत चिकित्सित इस अर्थ में। स्नेह भवन यह सामासिक शब्द है, स्नेहेन भवति सह स्नेह भव। अब स्नेहेन भवति का अर्थ है स्नेह के विधि विरहित सेवन से, जैसे उदाहरण के लिए पाहिश दुग्ध का नित्य सेवन अधिक मात्रा में, इसमें श्लेष्मा पड़ता है स्निग्ध गुण से, कुरु गुण से, पिच्छिल गुण से, अभिशंध गुण से। ये कहीं ना कहीं शरीर में अभ्यंतर या बाह्य शोध करेगा, हो सकता है ब्रेन में ट्यूमर भी करेगा, हो सकता है प्राणव में श्वास करेगा शोथ बनाकर, हो सकता रक्तवाहिनियों में शोथ आ जाए, उपचय बढ़ जाए, हो सकता त्वचा में शोथ आ जाए, विद्रति हो जाए, ग्रंथि हो जाए। उसी प्रकार फलों के अतिसेवन से, प्रायः सभी फल स्निग्ध है, केला सफरचंद अक्रोड पिस्ता मूंगफली बादाम काजू, इस प्रकार के नित्य आहार से कहीं ना कहीं शोथ आएगा। यह आवश्यक नहीं कि शोथ दृश्य ही होगा, अदृश्य भी हो सकता है, नेत्र शोथ आएगा, रुक्क शोथ आएगा, मूत्रवाह में शोथ आएगा, स्ट्रिक्चर यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर हो जाएगा, पस्ती में शोथ आएगा, गर्भाशय में शोथ आएगा, महाशोथ में कफज गुल्म होगा, यकृत में विद्रति हो सकती है, सिस्ट हो सकता है। इस प्रकार संतर्पण करने वाले स्निग्ध द्रव्य, नारियल का पानी, गन्ने का रस, मिल्क शेक, दूध के पदार्थ, गुलाब जामुन, अर्दिया, इनका विधि विरहित भोजन, विधि विरहित का अर्थ है मात्रा में अधिक, अग्नि का विचार न करते हुए
सात्म्या सात्म्य का विचार न करते हुए। ऋतु का विचार न करते हुए, देश का विचार न करते हुए यदि इनका सेवन अधिक मात्रा में होता है और शोधन का नाम भी नहीं, तो ऐसे व्यक्ति में शरीर में, आमाशय में, ग्रहणी में, पक्वाशय में, अर्श में, गुदा में कहीं भी शोध हो सकता है। शोध का अर्थ केवल पादशोध नहीं है। कई शोध है, अनगिनत है, अधिष्ठान वेद से हो सकता मेटल वॉल को सूजन आ जाए, एओर्टिक वॉल को भी सूजन आ जाए, कहीं नर्व को सूजन आ जाए, वर्टिब्रल कॉलम में सूजन आ जाए, कहीं भी हो सकता है। तो इस अवस्था में चिकित्सा शोधग्न नहीं करेंगे, भवनवा गोक्षुरो ये प्रारंभ में नहीं करना है। प्रारंभ में दोषों का बल देखकर और हेतुओं का बल देखकर पहले हेतु बन करते हुए रुक्षण करेंगे। रुक्षण दो प्रकार का होता है, एक श्वेत देकर, रुक्ष श्वेत देकर, दूसरा रुक्ष श्वेत देकर उत्क्लेशक द्रव्य देकर शब्दवान जो आमाशय से उत्कृष्ट श्लेष्मा निकाल देगा। दूसरा शोधन, दूसरा रुक्षण यदि दोष अल्पबल है, मध्य बल है, तो आप सीधा तिक्त कटु कषाय रस का उपयोग करेंगे। कषाय में त्रिफला, कटु में शुंठी, चित्रक, त्रिकटु, तिक्त में जो भी उपलब्ध है, गुड़ोची, पटोल, मुस्ता, कुटकी, किराचतिक्त, जो भी इंद्रजव, इनका प्रयोग कर सकते हैं। भोजन में तक्र सेवन और भुने हुए धान्य का भोजन, इस प्रकार रुक्षण, बाह्य रुक्ष श्वेत, और अन्य जो स्नेह बढ़ाने वाले पदार्थ है उनका त्याग। इतना होने के बाद शोध स्वयं शांत हो जाता है, और उसके बाद भी यदि बचता है तो आप पुनर्नवा पुनर्नवाष्टकवात आदि चिकित्साएं कर सकते हैं। ध्यान रखना है जब तक आप दोषों के
वृद्ध गुणों की चिकित्सा नहीं करते तब तक दोष क्षय नहीं होता। पानी निकल जाएगा मूत्रल द्रव्य देकर। शोध थोड़ा सा कम होगा लेकिन दोष जितनी मात्रा में क्षीण होने चाहिए उतनी मात्रा में नहीं हो गए। कुछ समय तक उपशय मिल सकता है और यदि आपने हेतु बद्ध नहीं किए तो चिकित्सा बनकर जैसे आप बंद करोगे वैसे फिर शोथ बढ़ने लगेगा अथवा दूसरा व्याधि होना शुरू हो जाएगा। दूसरे व्याधि में स्थौल्य विद्रधि भगंदर अर्श श्वास कास कामला कुछ भी हो सकता है अर्धित हाइपरटेंशन मधुमेह प्रमेह कुछ भी हो सकता है गुल्म। इसलिए चिकित्सा का सिद्धांत निदान त्याग दोषों को निकालना अथवा दोषों का शमन करना। अब इसमें आहार विहार दोनों का प्रयोग करेंगे। वृक्ष आहार प्रयोग करेंगे आप उद्वर्तन का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार अब जहां आपको रुक्षण कम करने के लिए शब्दोपमन देना है वहां रुक्षण करके अथवा हेतु बन करने की गड़बड़ नहीं करना। यदि शीघ्रता से वमन देना जमता है तो आप जैसे हेतु चालू है वैसे श्लेष्मा को बढ़ने दो और एक दिन में दो दिन में उसको वमन दे दो। अमोश शुद्धि गर्म पानी पिलाकर तिक्त रस देकर वमन करा दो और फिर हेतु बंद कर दो क्योंकि उत्क्लेश करना ये आवश्यक है। इस प्रकार स्नेह भवम विरुक्षण भोजन में यव मुद्ग शाली शस्तिक और तिक्त रस की सब्जियां कटु रस की सब्जियां मुद्गयूष ये सब करते समय कुछ शोथों में जैसे उदर्द है शीत पित्त है विद्रधि है इनमें अब स्थानिक चिकित्सा भी विमलापन उद्वर्तन कर सकते हो और इनमें यदि अग्नि बद्ध है तो आपको अग्नि की चिकित्सा भी करनी पड़ेगी। मुद्गयूष पंचकोल सिद्ध मुद्गयूष देंगे पीने के लिए पानी शुंठी नागरमोथा इनका जल पीने को देंगे। ये सार्वदेहिक अमापाचन भी करेंगे और मुद्गयूष पंचकोल का अग्निदीपन करेगा। इस अग्निदीपन की प्रक्रिया में आप भोजन पूर्व गुड़ अदरक अथवा अदरक नींबू
और नमक, ये भोजन के पहले 15-20 मिनट दे देंगे और भोजन के बीच में आसव देंगे और अंत में थोड़ा सा आसव देंगे, अथवा शंख भस्म देंगे। अन्य कालों में भी आप दे सकते हैं, भोजन के बाद भी दे सकते हो। भोजन के मध्य में अग्निलेपन करता है, भोजन के बाद दिया तो अग्नि पाचन करता है, आहार पाचन करता है और श्लेष्माक्षय करता है। इसलिए दोनों समय देना उचित है, थोड़ा थोड़ा विभागित विभाजन करके। इस प्रकार श्रोत की चिकित्सा में अग्नि को संभालना अनिवार्य है, क्योंकि अग्नि अच्छा नहीं रहा तो आप कुछ भी खाओ श्लेष्मा पड़ता है। आप सामान्य भोजन भी करोगे तो भी श्लेष्मा बढ़ता है। कश्यप कहते हैं अग्नि मंद हो तो सामान्य भोजन भी कफवृद्धि करता है। सूत्र में फिर अगली व्याख्या में दूंगा। इस प्रकार स्नेहभोम विरुक्ष में दूसरा रुक्षजय स्नेह विधि। रुक्ष में रुक्षज जागरण जन्य अति अधोगमन, अति लंघन, तिक्त कटु का सेवन, अति सेवन, अल्पाशन, इन कारणों से शरीर लघु रुक्ष खर परुष कठिन बन जाता है, बल भी कम होता है। इस अवस्था में अग्नि भी विषम होकर बार बार अजीर्ण होने से अमोत्पत्ति हो सकती है। इसलिए हेतु रुक्षण के हो और अध्यसन हो, अजीर्णासन हो, विषमासन हो, वृद्धासन हो, तो विरुक्षण के साथ अमोत्पत्ति भी संभव है। इसलिए हेतु रुक्षण के है अग्नि दुष्ट होकर अमोत्पत्ति हो सकती है, और रुक्ष हेतु के साथ यदि अजीर्णासन, अध्यसन, विषमासन, विरुद्धासन है तो भी अमोत्पत्ति हो सकती है। यानी यहाँ पर वायु स्वतंत्र प्रकोपित भी होता है और परतंत्र प्रकोपित भी होता है, ये नहीं भूलना चाहिए। दोनों में पहले परीक्षण करते हुए आमे के लक्षण है क्या, विबंध है, प्रवाहन है, अंग गौरव है, विस्तंभ है, कटिशूल है, श्रोतोरोध है, ये देखना आवश्यक है। आलस्य, अपक्ति, निष्ठीव, अरुचि, थकान, ऐसे सभी लक्षणों को देखना है आपको, और यदि ये लक्षण है तो हेतुओं को बंद करके विधिपूर्वक भोजन करना अल्पदोषों में।
बलवान दोषों में सद्य भवन दे जना, यदि बल अच्छा है तो। और ये वमन केवल तिक्त रस का जलपान अथवा लवण जलपान, इंद्रजव का क्वात, इनसे भी आप कर सकते हो। मदन फल की आवश्यकता नहीं है यदि दोषों का उत्कलेश है तो। आपको देखना है दोषों का उत्कलेश है क्या, जो आरती है, लाला प्रसेक है, रुल्लास है, अरुचि है, अनन्नाभिलाष है, अविपाक है, कठोक्वात पिलाकर, तिक्तक्वात पिलाकर वमन करा दो, थोड़ा भोजन देकर, चावल घी दूध देकर उत्कलेश करवा लो, स्वेद दो, सद्य वमन करवा लो। उसके बाद पाचन करना होगा आपको, पाचन के लिए नागरमोथा, शुंठी, अतिविषा इनका क्वाथ अथवा प्रारंभ में जल, बाद में फिर क्वाथ, जब अग्नि अनावृत हो जाए तो क्वाथ दे सकते हो, जब तक अग्नि अनावृत नहीं होता तब तक क्वाथ चूर्ण नहीं देंगे, केवल पानी देंगे, मुत्कयुष भी सिद्ध करके देंगे, एक हदा उपवास देंगे, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे का उपवास देंगे। और जब पाचन हो जाएगा पूरी तरह से, शरीरगत, आमाशयगत, पक्वाशयगत आम जब निकल जाएगा, तब आप वायु की चिकित्सा प्रारंभ करेंगे। वायु की चिकित्सा में सभी चिकित्साएं स्निग्ध मधुर भ्रूंगण होती है, इसलिए सहावस्था के साथ यदि आप दोगे, आमोदोष शरीर में है और आप दोगे, व्याधि बढ़ेगा, इसलिए ऐसे व्यक्ति में दोष क्षय करते करते, अमपाचन करते करते, पक्वाशय में भी आप वर्ती देकर अथवा निरोध देकर अम का अपाचन करा सकते हो, स्वेद देकर वर्ती देकर अम बल को निकाल सकते हो, और शेष दोष का पाचन के लिए तिक्त रस का प्रयोग आप करेंगे, पटोल, मुस्ता, इंद्रजव, कुटकी, अतिविषा, शुंठी आदि का प्रयोग करके आप पाचन करा लेंगे, और फिर आप अग्निदीप्त करते हुए, अग्निदीप्त करेंगे, फिर दूध पिलाएंगे, संस्कारित शुंठी सिद्ध दूध पिलाएंगे। शुंठी सिद्ध दूध के बाद यदि उसका उद्वेग आ गया तो उसके पहले बंद कर देना, फिर आप अनुवास निर्वाह कर सकते हो। इस प्रकार व्यत्यास से आप असौ वरिष्ठ भी दे सकते हो, क्योंकि आप जो भ्रूंगण चिकित्सा करेंगे इसमें कुछ गलती हो गई तो श्रोतोरोध होकर व्याधि उपशय नहीं देगा, इसलिए बीच बीच में असौ वरिष्ठ आप देते रहेंगे अथवा कटुरस का प्रयोग करते रहेंगे बीच बीच में व्यत्यास से। और ये सब वर्णन वात व्याधि के निरुपस्तंभ वायु के वर्णन में आता है, निकालिए 28
निरुपस्तंभो योग चिकित्सा। रक्त चिकित्सा 28 श्लोक नंबर 75। क्रिया मतः परम सिद्धाम वात रोगा पहाम सुनु केवलम निरुपस्तंभम आदो स्नेहे ही उपाचरित। वायु निरुपस्तंभ केवल निरुप के वह शुद्ध वायु सामुदोष नहीं है, संसर्ग नहीं है, श्लेष्मा नहीं है, निराम अवस्था है, आमाशय शुद्ध है, पक्वाशय शुद्ध है। अब आदो स्नेह रूपाचरित, अब स्नेह में क्या देना है पढ़ो। वायु सर्पी ही वसा तेल मज्जा पाने ही नरम ततः स्नेह क्लांतम समावश्य पयोगी ही स्नेह एक पुनः। यानी एक स्नेह आपने दिया तो उसके उद्वेग आ सकता है, थोड़ी विश्रांति दो फिर दुग्ध पान करो फिर विश्रांति लो और फिर यूसे ही ग्राम्य अंबुजा आनुप रसे ही वा स्नेह संयुते ही पाय से ही कृषरे ही स अम्ल लवण ही अनुवासने ही। इनसे आप अनुवासन करेंगे, निरोध देंगे, अनुवासन देंगे और वायु को शांत करेंगे। भोजन में भी मधुर स्निग्ध, यदि बलवान वायु है तो अनुप मांस, मध्यम है तो अनुप देने की जरूरत नहीं है, फिर आप दुग्ध से कर सकते हो, भोजन से कर सकते हो। इस प्रकार शोथ में चिकित्सा, रुक्ष भोज शोथ में चिकित्सा आपको इस प्रकार करनी है। आगे चलो अगला सूत्र। इसी में वायु में नहीं शोथ में 18 विबद्धे अनिलजे निरोहम। विबंधे विटके अनिलजे तिक्तकम। हाँ, यदि विबंध है, विबंध है तो क्या करेंगे, निरूहणम। अब निरूह का शब्द का अर्थ है निरूह के साथ उसी दिन अथवा दूसरे दिन अनुवासन देना ही है, या तो पहले देना है निरोह के और बाद में निरोह देना है, अथवा निरोह पहले देकर फिर अनुवासन देना है। तो इसमें कैसे निश्चित करना, जब निबंध है, मूल की ग्रंथिया है, शूल है, तो यहां पर मल की ग्रंथिया निकलती नहीं है, पस्ती भी अंदर जाता नहीं है। इस अवस्था में आपको कैथेटर से थोड़ा थोड़ा स्नेह अंदर डालना पड़ता है अनुवासन के लिए, और इससे ये मल शिथिल हो जाता है, स्नेह वापस नहीं आता है, और फिर आप थोड़ी देर के बाद, घंटे दो घंटे के बाद निरोह दे सकते हो। कभी कभी ये मल इतना गाढ़ा होता है कि कैथेटर भी पास नहीं होता है, बंद होता है मस्ता, तो आप उसको ग्लोव्स पहनकर अंगुली से मल निकालना पड़ता है और फिर अनुवासन या निरोह देना पड़ता है। वो ऐसे अनुभव मैंने किया है।
एक वृद्धा थी, लगभग 50 के आसपास की, छिंदवाड़ा की थी, आदिवासी थी, और वो चैत्र महीने में जो शक्कर की गाठिया बनती है, बत्ता से बनते हैं, वो बनाने का उनका उद्योग था। तो इसमें इस काम में ये महिला लगभग 10 दिन जागरण करती हुई ये कार्य कर रही थी, और भोजन में कोई स्निग्ध नहीं था, सामान्य भोजन, ज्वारे की रोटी, चटनी और जागरण। इसमें निबंध हो गया मलग्रथित, काटे हाथ को लगती थी, छर्दी और निद्रा का अभाव, प्रचंड शिरस्त्र और पूरे शरीर में शूल, कहीं भी हाथ लगाने देती रहती है अम्मा, जहां हाथ लगा वहां शूल हो रहा। जब रुग्णालय में आई तो स्ट्रेचर पे लाना पड़ा था, हमारे रजिस्ट्रार वगैरह थे, वो कह रहे थे सर नींद किट को ली दे देंगे, नींद का इंजेक्शन दे देंगे। मैंने कहा नहीं देंगे। मैंने उसको फिंगरिंग करवा के मल की गाठे निकाली, अनुवासन दिया, लगभग 40 ml तेल अंदर गया और हालांकि शास्त्र यह कहता है कि मुख से और गुदा से दोनों एक साथ स्नेह नहीं देना चाहिए, लेकिन मैंने आहार में भी स्नेह दिया उसको, मूंग के चावल के पानी में स्नेह डालकर दिया, थोड़ा सा, एक चम्मच, ज्यादा नहीं, और सायंकाल को उसको निरवा दिया। निरवा में मल बहारा, वेदना कम हुई, रुग्णा रात में सोई, दूसरे दिन फिर निरवा दिया, फिर 34वें दिन से अभ्यंग श्वेत शुरू किया, पूरा आहार दिया, अनुवासन निर्वक्रम और पूरा आहार, अनुवासन रोज दिया, निरोह 2 दिन के बाद दिया, हर 2 दिन के बाद एक निरोह, 2 दिन अनुवासन, 8 दिन में पेशेंट पूरी तरह से अपने पैरों पे चलते गया, पेट में औषध कोई भी नहीं, एक भी नहीं दिया, केवल शूलग्न नहीं, केवल प्रुंगण प्रुंगण प्रुंगण। इस प्रकार आप बस्ती का प्रयोग भी कर सकते हो। उसके बाद पित्ता निलजे, यहां पित्ता निलजे ये सामासिक शब्द है, यहां वात पित्तोत्तर अवस्था अपेक्षित है, श्लेष्मा नहीं, आम नहीं, द्रवगुण नहीं, अभिसंध नहीं, यहां पर आप तिक्त घृत का पान करवाएंगे। उसके पूर्व यदि अग्नि मंद है, अमावस्था है, तो इस अवस्था में आप तिक्त रस से पाचन कराएंगे, थोड़ा सा उपवास भी देंगे, अग्निदीपन करेंगे और फिर आप
घृत पान करवा सकते हो, तिक्त घृत का पान। लेकिन पहले संभावना है कि अजीर्ण का इतिहास हो, सामावस्था का इतिहास हो, घृत नहीं देना। ज्ञातवात परिपक्व आमुक परिपक्व है समझने के बाद ही घृतपान करना है, अन्यथा लंगन देना है। लंगन में भोजन में इक्तरस, आहार में लघुत्तम आहार, और आप जलपान शुंठी का, चंदन का, शुंठी यदि अनुकूल नहीं है तो शुंठी निकाल देंगे, चंदन, सारिवा, अनंतमूल इनका पानी देंगे, पटोल इनका पानी देंगे, और इस पानी से आप पाचन करेंगे। और जब आमाशय रिक्त हो जाएगा तब आप तिक्त रस का क्वाथ देकर, पटोल आदि क्वाथ, कुड़ुच आदि क्वाथ, ये देकर आप पाचन करा देंगे। और फिर आप अनुकूल अवस्था आने पर तिक्त घृत का पान अच्छा स्नेह भी दे सकते हो। प्रातः काल में समन का नियम है, समने क्षुद्वतो अनन्ने, समन स्नेह देना है तो भूख लगने के बाद बिना कुछ खाए पिए आप दे दो, स्नेह दे दो। कितना देना? अग्नि देखकर पहले 20 ml, फिर 30 ml, और 30 ml की मात्रा आप दूसरे दिन रिपीट कर सकते हो इस प्रकार। और भूख लगने के बाद भोजन 12-1 बजे इस प्रकार आप कर सकते हो। अब ये पैतृक शोध होता क्या है? पैतृक शोध भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। कभी कभी अमुआत में पित्त का अनुबंध होता है, कुष्मा रहता है, कभी कभी छोटे छोटे विस्फोट आते हैं, कभी कभी विसर्प होता है, फैलते हैं, दाह होता है, कंडू होती है, श्राव होता है। ये पैतृक शोथ है। पित्त के लक्षणों में कंडू, दाह, श्राव और शोथ ये लक्षण मिलते हैं। और पित्त के हेतु लवण, अम्ल, कटुरस का अधिक सेवन, द्रव का अधिक पान हो सकता है, ये भी शोथ है। इसलिए कोई भी उन्नति हो वो शोथ है, तो उसमें आप इस प्रकार चिकित्सा कर सकते हो पैतृक शोध के रूप में। कभी कभी छोटे 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 पीटिकाएं आती है, दाह होता है, लाल होती है, जैसे क्या कहते हैं उसको, हमारे यहाँ उसको गौर कहते हैं, अन्य भाषा में मुझे क्या कहते हैं, हाँ, रोमांतिका, रोम रोम में, रोम के अंत में छोटी पीठिकाएं आती है, पैतिक है, सज्वर होती है, लेकिन समावस्था होती है। ऐसा इसको प्राचीन काल में देवी कहते थे, शोत पूय युक्त, पूय पाक युक्त फोड़े आते थे, माता कहते थे उसको, ये भी पैतृक शोथ है। अब मुझे उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा, आयुर्वेदिक नाम उसका, इसमें शोथ अध्याय में है, आगे है। तो ये पैतृक शोथ है, विसर्पणशील, पाक युक्त, दाह युक्त, पूय युक्त, ऐसा शोथ है, पैतृक शोथ है। इसमें आप तिक्त घृत देना है,
और ये भी ऐसी मात्रा में जाना है, विरेचन मात्रा में जाना है, इससे विरेचन हो जाए। कितनी मात्रा में देना है अर्थात अग्नि देखकर, ये होगा पैतृक शोध। आगे पढ़ो। वयः च मूर्छा अरति दाह दर्शिते विशोधनीये तु समूत्रम इच्छ्यते कफोचितं क्षार कटु उष्ण संयुते ही समूत्र तक्र आसव युक्ति भी ही जयेत। पयश्च मूर्छा अरति दाह तर्षिते, तर्षित यानी तृष्णा, दाह यानी बदन में आग होना, मूर्छा अस्वस्थता, इनमें दूध देना है और इससे यदि फर्क अंतर नहीं पड़ता है तो रक्त मोक्षण भी करना है। अब कपोत्थितम, कपोत्थित में जो भी औषध आप देंगे उसमें गोमूत्र का प्रयोग करेंगे, समूत्र विष्यते विशोधन, खास करके शोधन देंगे आप तो वो भी खास करके बस्ती, तो उसमें आप गोमूत्र डालेंगे। और भोजन में औषधियों में आप गोमूत्र युक्त औषधियां देंगे। औषधि में हेतु विपरीत क्षार कटु उष्ण इसका प्रयोग करेंगे, और ऋतु यदि विपरीत है तो उसमें थोड़ा तिक्त डालेंगे। इस प्रकार चिकित्सा हमें करनी है। इसमें भी आपको ध्यान रखना है, यदि आवश्यक है तो शुद्ध वमन, आवश्यक है तो तिक्त रस से वमन, लवणोदक से वमन, उत्क्लेशक आहार देकर वमन। यदि वमन आवश्यक नहीं है तो आप पाचन करिए, जल दीजिए, कटु जल शुंठि जल दीजिए, पाचन करिए। अग्नि जब निराम हो जाए तो फिर आप अदरक शुंठि इसका प्रयोग करेंगे, गुड़ शुंठि गुड़ अदरक इसका प्रयोग करेंगे, अग्नि दीप्त करेंगे। और फिर शोथ शमन के लिए भी आप गुड़ अदरक का प्रयोग कर सकते हो। मैंने किया है, 100 ग्राम 50 ग्राम गुड़ 50 ग्राम अदरक अथवा शुंठी इनके गोले बनाए थे 10, तो 100 ग्राम के 10 गोले बनाए और एक गोला रोज इस प्रकार मैंने लगभग 15-20 दिन दिया, शोध पूरा कम हो जाता है। आप गुड़हरित की भी दे सकते हैं, गुड़ पिपली भी दे सकते हो। ऋतु प्रकृति देश ये देखकर औषधि का चयन करना है। इस प्रकार कपोलशोध ये स्वरूप कैसे होता है, ग्रंथि खंडयुक्त ग्रंथि घन ग्रंथि, उसके साथ साथ विद्रधि स्फोट इस प्रकार, और ये बाह्य दिखने वाला, अभ्यंतर में शरीर में कहीं भी शोध आ सकता है, ब्रेन में आमाशय में रुक्क में बस्ती में यूरेथ्रा में गर्भाशय में यकृत में, आपको हेतु के विपरीत चिकित्सा करनी है। चलो अगला श्लोक।
ग्राम्य श्लोक नंबर 20। हाँ ग्राम्य अब्ज अनुपम विषितम अबलम शुष्क साकम नवान्नम गोड़पिष्टानम दधीति कृतम बीजलम मध्यम अम्लम दाना वल्लुरम समसनम अथह गुरु असात्म्य विदाही स्वप्नम च अरात्रो सौथु गद्वान वर्जयत मेथुनम च। अब शोथ में ग्राम्य अब्ज यानी जलज अनूप ग्राम्य यानी पाप यानी खेत से उत्पन्न धान्य घर में पाले हुए प्राणी घर में उगाए हुए सब्जी जल मछली और अनूप प्रदेश में उत्पन्न होने वाला धान्य यानी चावल गन्ना सब्जियां ये और मांस ये वर्ज्य करना है शोथ में। शुष्क शाक वर्ज्य करना है। नव अन्न बंद करना है। गुड़ से बनाए हुए पदार्थ बंद करना है। पिष्ट अन्न बंद करना है। दधि पान करना है। तिल से बनाए हुए पदार्थ वर्ज्य करना है। तिल के लड्डू तिल के पपड़ी भोजन में तिल के कोई पदार्थ बनाए हो मीठे बंद करना है। विज्जलम की टीका क्या है देखो कुछ इसमें नहीं देखना ये देखना पड़ेगा विज्जलम। हाँ विज्जलम पिछिलम द्रव्यम। हाँ तो पिछिल द्रव्य बंद करने हैं राब फाणी तो जिसको कहते हैं ये द्रव्य बंद करना है। जब दही दही पिछिल है तो बंद करना है। अम्ल मध्य बंद करना है। धाना अंकुरित धान्य को धाना कहते हैं। वल्लूर ये मांस का प्रकार है शुष्क मांस। समशनम का अर्थ है विधि विरहित और विधियुक्त दोनों एक साथ सेवनीय असेवनीय एक साथ इसको समशन कहते हैं। गुरु जो अप्य पार्थिव है ये सभी इसमें आते हैं। और असात्म्य ऋतु देश काल प्रकृति हेतु इनके विपरीत जो नहीं है उसको गुरु शब्द में गुरु और असात्म्य का संधि हुआ है इसलिए गुरु व सात्म्य किया है तो उसको गुरु को अलग निकालना है असात्म्य को अलग निकालना। विदाही तिल मरीच तक्र दधि इनको बंद करना है। स्वप्नम च अरात्रौ दिन में सोना बंद करना है। ये स्वयथु गदवान सभी शोथों में वर्ज्य करना है। वर्जयत मैथुनम च ये भी बंद करना है। अब वातज जल व्याधि में शोथ में जहां आवश्यक है बहुत ही बलवान वात प्रकोप है वहां पर शोथ कम होने के बाद आप भृंगण के लिए उसका प्रयोग कर सकते हो
अनूप का वहां पर उल्लेख है अनूप का, लेकिन वो बाद में करना है, समावस्था में भलवान शुत में नहीं करना है। अगला व्योषम तिवृत तिक्त रोहिणी च स अयोरजस्का त्रिफलारसेन पित्तम कफोत्तम समेतु समेतु सोफम गव्येन मूत्रेण हरित किंच। हाँ ये श्लोक बताओ मुझे। योषम त्रिवृत तिक्त करोहिणी च सायो रजस्का त्रिफला रसेन पीतम कफोत्तम समयत शोफम गव्येन मूत्रेण हरित किंच। हरित की नागर देवदारु सुखम युक्तम सपुनर्नवम च सर्वम पिबेत त्रिशोपि मूत्र युक्तम। जीर्णे पैसा मध्यात। अब इसमें सर्वं पिबेत त्रिषु अपि इसकी टीका है क्या देखो। त्रिषु अपि वात वात वाता जी शिशु जेषु तो वातलेशोत में भी आप जब चिकित्सा करना प्रारंभ करोगे दोष औषध हेतु विपरीत तो उसमें अब यहां पर गोमूत्र देने के लिए ग्रंथकार कह रहे हैं त्रिषु अपि। इसका अर्थ समझ दीजिए कहां देना है कैसे देना है। इधर कह रहे हैं शोत पाते जो है और इधर कह रहे हैं त्रिषु अपि मूत्र युक्तम सर्वम पिबेत। ये जो कल्प देने हैं ये कल्प शोथनाशन के लिए आप दोषानुसार कम ज्यादा करके देंगे। तिक्त रस आप पैतिक पे देंगे, कटुरस आप इस पे देंगे कफज में देंगे, वातज में आप जो भी कल्प देंगे दूध गोमूत्र में उबाल के दीजिए बस्ती गोमूत्र डाल कर दीजिए। क्यों? ये निर्णय चिकित्सक को लेना है। मैंने कहा शोत ये भिन्न भिन्न प्रकार का हो सकता है, वातज शोत भी कफज हो सकता है, जैसे गुल्म गुल्म नाम वातज है लेकिन कफपित्त प्राकृत वहां पर जाकर बैठते हैं तो उसका छेदन करने के लिए तीक्ष्ण प्रभाती द्रव्य आपको कभी कभी प्रयोग करने पड़ेंगे बलवान व्याधि में। जीर्ण व्याधि है, बहुत दिन से है, गाढ़ी बन गई है, घन बन गई है तो वहां पर आपको इसका प्रयोग करना पड़ेगा। इसलिए ये शोत मांस जो हो, मेद जो हो, रक्त जो हो, रस जो हो, कफ जो हो, केवल पैतृक में आप नहीं देंगे, पैतृक में दूध में डाल कर देंगे, स्वतंत्र नहीं देंगे। तो इस प्रकार मात्रा कम देंगे तो शोथ क्षय के लिए, क्योंकि शोथ में मल संग्रह होता ही है, श्लेष्मा पित्त द्रव रस रक्त मांस, तो इनको शोधन करने, इनको भेद करने के लिए इनका भेदन होना चाहिए, इसलिए तीक्ष्ण द्रव्य की आवश्यकता होती है और इसलिए आप गोमूत्र का प्रयोग तिक्त रस में भी करेंगे, गोमूत्र का प्रयोग आप मधुर रस में भी करेंगे और गोमूत्र का उपयोग आप कटु रस देते समय भी करेंगे।
इस प्रकार आपको और पयसा जीर्णे पयसा अन्नम अद्यात निरामावस्था आने के बाद और अन्न जीर्ण होने पहला अन्न जीर्ण होने के बाद आप यहाँ जीर्ण शब्द दोनों के लिए है, सामावस्था चली गई है, अभिशन्न कम हो गया है, अब भोजन देना है, अग्नि का संरक्षण करते हुए अपने शोधन कर लिया है, कठोरस दिया है और शोध जीर्ण हुआ है, निराम हो गया है, अभिशन्न कम हो गया है, इस अवस्था में आप पयसा अन्नम अद्यात भोजन दूध के साथ देंगे। चलो अगला पुनर्नवा नागर मुष्टकलकान प्रस्तेन धीरह पयसा अक्ष मात्रान मयूरकम मागधिकाम समूलाम स नागराम वा प्रपिबेद सवाद। मुझे दो श्लोक बताओ। 23 श्लोक नंबर 23 21 में एक शब्द है सायो रजस का त्रिफला रसेना सो अयो रजो सो अयो रजो यानी लोह भस्म, लोह भस्म के साथ लोह भस्म को त्रिफला रस में संस्कार करके अथवा त्रिफला के क्वाथ के साथ अथवा रस के साथ आप लोह की भस्म देंगे। 23 अब यहां पर कफज शोथ बलवान है, आपको भक्ष्य भी करना है, शेष दोष से पाचन भी करना है और दोषों को बाहर भी निकालना है, शरीर के बाहर अनुलोभन करना है, इसलिए अब यहां पर बता रहे हैं पुनर्नवा नागर मुस्ता कल्क इनका कल्क बना। और ये कल्क एक एक प्रस्थ से करना है, एक प्रस्थ नागर, एक प्रस्थ पुनर्नवा, एक प्रस्थ मुस्ता, ऐसे तीनों मिलाकर कल्क बनाना है, तीन प्रस्थ। और पयसा दूध के साथ एक तोला खाना है 10 ग्राम, कल्क एक बार खाना है अथवा दूसरा कल्प मयूरकम मागधिकाम समूलाम सोनागरम प्रपिबेद वातिके वातक वातज में पुनर्नवा नागर मुस्ता का कल्क इसके स्थान पर मयूरक मागधिका समूला पिप्पली मूल पिप्पली और मयूरक और शुंठी इनका कल्क वात व्याधि में आपको पीना है पयसा।
अगला, अब इसमें मयूरक की टीका है, क्या देखो? हाँ है, क्या है? मयूरकम इति आदो अपि पूर्व योगोक्तम क्षीरम द्रव्यमानम च गेयम्। पूर्वोक्त योगोक्तम क्षीरम इत्यादौ अपि, नहीं इसका अर्थ उन्होंने ये दिया है कि जैसे पुनर्नवा नागर मुस्तभ आप दूध के साथ दे रहे हो, वैसे ये भी मयूरक इत्यादि पूर्व युगोक्त मान में अक्ष मात्रा में दूध के साथ देना है। इस अर्थ में मयूरक मयूरक का अर्थ नहीं दिया है, ठीक है। आगे दंती तीव्रुत त्रयुष्णम चित्रके ही वा पयह शुतम दोषहरम पिबेत ना पिबेत ना पिबेत ना वी ना वी प्रस्त मात्रम तु पलार्ध पल अर्ध के ही ते ही अर्ध अवशिष्टम पवने सपित्ते। अब यहाँ पर ये दंती त्रिवृत्त त्रिषण चित्रक इनका ये दूध में सिद्ध करने के लिए बोल रहे हैं। तो त्रिवृत्त त्रिषण चित्रक ये तीनों दंती दंती तीक्ष्ण है, त्रिवृत्त विरेचक है, त्रिषण चित्रक उष्ण है, तुझे कफज में देना है और ये बलवान अवस्था में जब शोथ हो सार्वदेहिक शोथ हो बलवान हो व्यापक हो भिन्न भिन्न स्थानों पे गया हो तो इसमें आपको दंती त्रिवृत्त चित्रक के सिद्ध दूध का प्रयोग करना है। अब दंती इतनी किस इसमें कितनी डालना है ये अपने अपने देश काल और अनुभव के आधार पर दंती के प्रयोग करना है। दंती विरेचक है, दंती की मात्रा 125 मिलीग्राम के ऊपर नहीं दी जाती है, जैसे इच्छा भेदी है, नाराज रस है, एक या दो गोली के ऊपर नहीं दी जाती है। तो आप ये कर सकते हो कि वो गोली इसमें डाल के पका के दे सकते हो, अथवा दंती 125 मिलीग्राम या 250 मिलीग्राम डालकर आप दे सकते हो। बाकी त्रिवृत्त है, आप तोला आधा तोला ऐसा ले सकते हो, त्रिषण भी आप ऐसा ले सकते हो और सिद्ध करके आप दे सकते हो। पिबेन्ना अब इसके बाद ये जो कल्प है विप्रस्त मात्रम तु पलार्धिके तैः अर्धावशिष्टम पवने सपित्ते। सपित्त पवन वात पित्तोत्तरावस्था में शुंठि देवदारु श्यामा उरुबक और उषण साधित इनसे सिद्ध किया हुआ दूध आप वातपित्तोत्तरावस्था में दो प्रस्थ मात्रा पलाधिके तैर अर्धावशिष्टम दो प्रस्थ और एक मिनट पलार्धिके पर टिका है क्या देखो? हाँ द्रिकर्ष माने ही द्विकर्ष माने ही
दिकर्ष माने पलार्धिक, तो पलार्धिक ही दो प्रस्थ। अब ये पलार्धिक किसको लगाना है, तई ही पलार्धिक ही तई ही अर्धावशिष्टम पवने पित्ते। अब इसमें दीप्रस्थ दूध लेना है और उसमें पलार्धिके न डेढ़ डेढ़ पल शुंठी देवदारू श्यामा उर्वक लेना है पलार्धिक यानी आधा पल, यानी और ये दूध उबालकर आधा आधा रखना है और ये दूध पीना है, ये पैतृक पे करना है। आगे श्यामा उर्वक उष्ण साधितम वा, शुंठी पीतद्रु इनका रस अथवा श्यामा उर्वक उष्ण इनका रस, ये आपको करना है। आगे त्वग दारु वर्षाभू महा औषधे ही वा गुरुचि 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 का नागर दंती भी ही वा। बस तो त्वक देवदारु पुदर्णवा शुंठी गुड़ुचिका, अब यहाँ नागर शब्द एक दो बार आया है, एक महौषध आया है और नागर आया है, इसके टीका है क्या देखो, महौषध ये नाम किसका और किसी का है क्या, नहीं शायद महौषध ये नाम और किसी द्रव्य में है, तो यहाँ शुंठी अलग है और महौषध अलग है, वो देखना पड़ेगा। तो गुरुचि नागर दंती बिरवा, तो एक पहला देवदारू त्वचा पुदर्णवा और महौषधि, ये एक कल्प हुआ, बराबर अलग अलग कल्प है, तो ये अलग है और दूसरा गुरुचि नागर दंती ये दूसरा कल्प है वा, तो गुरुचि नागर और दंती इसका भी प्रयोग आप एक सप्ताह हम औष्टम तो अथवा मासम पया पिबेत भोजन वारि वर्जे इनका क्वात इनका कल्प सात दिन अथवा एक महीना अथवा 15 दिन पिबेत वारि वर्जी भोजन और पानी बंद करके दूध के साथ में रहेंगे। आगे गव्यम स्वमूत्रम महिषि पयोः वा शिरासनः मूत्रम अथ गवाम वा। बस अथवा अब ये भोजन भोजन बंद करना है तो क्या करना है, गव्यम समूत्रम मूत्र के साथ गाय का दूध अथवा समूत्र के साथ महिष का दूध क्षीरा सुनो मूत्र मथो गवाम वा, क्षीर अथवा केवल क्षीर पर रहना है अथवा केवल मूत्र मथो गवाम वा मूत्र पे भी रहना है, बहुत ही बलवान है तो एक आध दिन मूत्र पे रह सकते हो आप गौमूत्र पे। आगे तक्रम पिबित्वा गुरुभि अन्न वर्षाः शवोष शोवर्चल माक्षिकं च गुड अभयाम्बा गुड नागरम्बा सदोष दुनाम विबंध वर्चाः। तक्रम पिबित्वा गुरु भिन्न वर्चाः, मल गुरु है पानी में डूब रहा है और शिथिल है, तो इस अवस्था में व्योष सौमवर्चन माक्षिक और तक्र
इनका प्रयोग कर सकते हो। तक्रम पिबेत्वा सव्योस्य माक्षिक सौवर्चन माक्षिकम च। अब यहां पर ये वा शब्द ऊपर के लिए है, तक्रम पिबेत्वा मूत्र के स्थान पर, गव्य मूत्र मायेश दुग्ध वगैरह के स्थान पर आप तक्र पी बस तक्रपान भी कर सकते हैं। और गुरुभिन्न वर्चा जो है उसके लिए सव्योष सौवर्चल माक्षिकम च यह है। अब इसके बाद दूसरा अगला भीड़ बात संगे पैसा रस गुड़ा गुड़ा भया गुणागरम च। गुणागरम गुणागरम सदोष भिन्नाम विबंध वर्चा। सदोष भिन्न आम विबद्ध वर्चा गुड़ नागर गुड़ शुंठी गुड़ अभया आप भिन्न आम विबद्ध वर्चा यानी कोष्ठ में पक्वाशय में दोष है, श्लेष्मा है, मल भिन्न है, भिन्न है यानी ग्रंथित नहीं है और आम है और बाहर नहीं निकल रहा है। इस अवस्था में गुड़ अभया नागर गुड़ शुंठे आप दे सकते हो। आगे विडवात संगे पैसा रसे हिला प्राग भक्तम अध्यात उरुबुक तेलम। उरुबुक एरंड तैलम अध्यात प्राग भक्त भोजन के पहले स्त्रोतो विबंदे विडवात पाम ये पैस दूध के साथ पीना है। आगे स्रोतो विबंदे अग्नि अरुचि प्रणाशे मध्यानि अरिष्टाः च पिबेत सुजातान। जहाँ स्रोतोरोध है अग्नि मंद है अरुचि है तो उसके चिकित्सा के लिए मध्यानि अरिष्टानि सुजातान पिबेत अच्छे। सुजातान का अर्थ है इसको कहते हैं जो परिपक्व है ऐसा मध्य, जो पक्व नहीं है वो अभिषेक जो होता है। जैसे दधि के बारे में है दधि पक्व दधि और अपक्व दधि ऐसे दो प्रकार होते हैं। तो पक्व दधि एक चिकित्सा के लिए उपयुक्त है, वैसे ही मध्य जो पक्व है उसको सुजात कहते हैं। श्रोतो मध्य में अरुचि में अग्नि प्रणाश में आप दे सकते हैं। अग्नि नाश और रुचि नाश में आप इसका प्रयोग करेंगे। आगे गंडीर बल्लातक चित्रंकांत च योषम विडंगम बृहति द्वयम च त्रिप्रस्थिकम गोमय पावकेन द्रोणे पचेत कुर्चिका मस्तु नस्तु विभागशेषम च सुपूतसितम द्रोणेन तत प्राकृत मस्तुना च शीतोपलाया च सतेन युक्तम लिप्ते घटे चित्र पिपली नाम। इस पर भाष्य कल करेंगे, आज यही रुकते हैं। जी जी चलो कुछ प्रश्न है तो पूछो। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हेलो नमस्कार सर।
नमस्कार सर, शोध के जो ट्रीटमेंट में भी गुड़ा का उल्लेख किया है, और जो इधर पत्ते बोले हैं ना सर, उस टाइम में गौड़ा ये शब्द एक इस्तेमाल किए हैं, ये किस तरह से समझना चाहिए सर? हाँ, ये चिकित्सा के लिए करना है, चिकित्सा होने के बाद बंद करना है, और ये 7-7 दिन के ऊपर नहीं करना है। तो इसमें गुड़ देने का उद्देश्य है, और गुड़ अकेला नहीं दे रहे हैं, तो गुड़ों के गुणों के विपरीत पिप्पली हरितकी शुंठी, तो ये इससे गुड़ का अभिषेंद्य गुण और द्रव गुण कम हो जाएगा, उसके विपरीत ये है। और वैसे गुड़ मूत्रल है, तो इसको कुछ दिनों तक आप दे सकते हो, लगातार नहीं देना है, औषध के रूप में देना है, जब तक शोध कम ना हो तब तक देना है, उसके बाद बंद करना है। यहाँ गुड़ों की मात्रा उसके विपरीत गुणों के द्रव्यों के साथ दी है, जैसे दधि सेवन के लिए कहा है ना, दधि खाना है तो मुद्गई उसके साथ, या तो मधु के साथ, वैसे ये किया है, इसलिए इसका दोष कम करने के लिए किया है ये। और एक सर, अभी ट्रीटमेंट एस्पेक्ट, हम जब भी गुड़े इस्तेमाल करते हैं सर, अभी जो मार्केट में दो प्रकार के गुड़ मिलते हैं, ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक करके, उसमें मतलब आयुर्वेद के हिसाब से उसके गुणधर्म में कुछ चेंज होता है क्या सर? हाँ, जो ऑर्गेनिक है ये ज्यादा अच्छा है, इसमें क्षार कम है, और ये विदाह कर रही है, जो ये और नॉन ऑर्गेनिक जो है यानी केमिकल, इसमें तीक्ष्णता ज्यादा है, तीक्ष्ण और रूक्षता ज्यादा है, वो विदाह कर है, इसलिए अपनी प्राचीन पद्धति से जो होता है वही गुड़ अच्छा है, और वो पुराण गुड़ होना चाहिए, नया नहीं, नया गुड़ नहीं लेना है, पुराण, एक साल पुराना गुड़, और वो भी उर्वरक का नहीं, गोबर घास और जो अन्य खत है अपने उनसे बनाया हुआ। धन्यवाद। धन्यवाद। स्वामी जी बोल रहे थे क्या? नहीं सर, प्रवीण देवऋषी बोलतो सर, सावंतवाडी वरून। बर, ठीक है। चलो बंद करू। तुमचं नाव काय म्हणाल तुम्ही? सर प्रवीण देवऋषी। माझ्या घरी तुम्ही आला होत का? हो हो, परवा मे महिन्यात आलो होतो सर। हा बरोबर आहे, देवर्षी। हो तो तुमच्या नावाचा उच्चार देवर्षी करायचा संधी करून। चलो धन्यवाद। धन्यवाद। चलो बंद करू। प्रतीक, प्रतीक, बंद करूं? जी गुरुजी।